आयोजन किया जाता है, गैर कानूनी घोषित किया जाता है, आपको तितर बितर होने का आदेश दिया जाता है। की घटना दिल्ली में हुई, आरोपी और पीड़ित दिल्ली में है, तो फिर पंजाब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? तो भगवंत मान जी, कम से कम अब आपके सिर के ऊपर दस्तार तो है, चाहे जिस तरह से भी है यार, आप में भी वो जोश तो जरूर आया होगा। आपको भी अफसोस होना चाहिए कि एक सिख को पुलिस उठा के ले जा रही, क्यों मारने पीटने के लिए, और कौन ले जा रहा है ये ऐसा जिसका आतंकियों के साथ वास्ता, अध्यक्ष के साथ वास्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस बात की बधाई देता हूं। कल बात बग्गा की नहीं थी, बात एक सिख बच्चे की थी, बात एक सिख बुजुर्ग की थी, जिसको पीट के उसके सामने से उसके सिख बच्चे को बिना दस्तार के लेके गए। अध्यक्ष जी, मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ। शायद आप हमारी ये भावना नहीं समझ पाओगे, हम किसी भी पार्टी में हों, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अलग अलग पार्टियों के फोन आए, पंजाब से अलग अलग पार्टियों के बहुत शीर्ष नेतृत्वों ने फोन करके मुझे पता क्या कहा, बोले अपनी पार्टी को बधाई देना। बात यह नहीं थी कि कौन सी पार्टी से था, बात यह था कि एक सिख को बेइज्जत करने के लिए ले जा रहे थे, वो सिख ने सबकी बेइज्जती करके सिर ऊंचा करके वापस आया। इस बात की हमें खुशी है और इसके लिए बधाई देना अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के लोगों को कि उसका सिर ऊंचा करके दिखाया है, ये बताया है कि तुम किसी सिख को ऐसे हाथ नहीं डाल सकते। सत्ता और पैसा मिलता है तो वो किस कदर पागल हो जाए, किस तरह अपना चरित्र सामने दिखा दे, वो अगर दुनिया में देश में कहीं दिखा है तो वो केजरीवाल के अंदर दिख रहा है। कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पंजाब की पुलिस को हथियार बनाकर गुंडा के रूप में भेजकर उन्होंने बुजुर्ग सिख को भी नहीं बख्शा। कोई भी व्यक्ति अगर उनका बेटा उसके सामने गुंडे पुलिस कोई भी ले जाएगी तो उनको कहेंगे कि भाई आप इसको चाय पीने दीजिए, दस्तार पहनने दीजिए। लेकिन उसकी पंजाब पुलिस ने नहीं सुनी, क्योंकि पंजाब पुलिस किसके इशारे पर आई थी, किसके इशारे पर आई थी? केजरीवाल के इशारे पर आई थी। केजरीवाल ने जिस डीएसपी का सिरसा जी जिक्र कर रहे हैं, उस डीएसपी इसीलिए आया था क्योंकि वो ड्रग माफिया को संरक्षण देने के आरोप में था। वो केजरीवाल से ये फेवर लेने के लिए कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और केजरीवाल की आंखों में सबसे बड़ा कौन खटका है? तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा। अरविंद केजरीवाल का बड़ा गिनौना चेहरा सामने आया है, वो एक ड्रग तस्कर का साथ ले रहा है तेजेंद्र बग्गे को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट करने के लिए। हैरान की इस बात की है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तेजेंद्र बग्गा दिल्ली वासी है, दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और जो ट्वीट उन्होंने किया वो भी दिल्ली ने किया। मैं मान लेते हैं कि तेजेंद्र बग्गे का ट्वीट केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया, मान लो बुरा भी है, पर केजरीवाल जी ये तो बता दीजिए, आप भी दिल्ली में, केजरीवाल जी बग्गा भी दिल्ली में, ट्वीट में दिल्ली में, तो पंजाब पुलिस कहां से बीच में आ गई, ये गुंडा डीएसपी कहां से बीच में आ गया, ये नशा तस्कर डीएसपी कहां से बीच में आ गया, ये डिसमिस्ड कॉप जिसके ऊपर करोड़ रुपए के रिश्वत के चलते इसको नौकरी से निकाला गया था, ये बीच में कहां से आ गया?